किसान निधि कम है, इसको बढ़ाया जाए। पेंशन गए कम है, वो भी बढ़ाई जाए। पूर्ति नहीं हो रही है, खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं है। लागत में मजदूरी को जोड़ा जाए, सरकार मजदूरी पर ध्यान नहीं दे रही। लागत ज्यादा आ रही है, आमदनी होने नहीं, किसान दबता जा रहा है। कर्मचारी के टीएडीए हर बार 7% बढ़ते हैं हर 6 महीने में, और किसान के भाव डाउन होते हैं। लेकिन हमारे परिवार पर, हमारे पेट पर ही लात लगेगी तो हम क्या करेंगे? आपको संस्कृति में आना है, किस हिंदू संस्कृति आपको ढलना ही पड़ेगा, ये राष्ट्रीय ऐसा है। आज यहाँ रामलीला मैदान में जो तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, किसान भाई लोग हैं, अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पर किसान गर्जना रैली की गई है और तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, जगह जगह से यहाँ लोग आए हैं। तो बाबा क्या नाम है आपका? पंचाराम। पंचाराम कहाँ से आए हैं? बाड़मेर, राजस्थान। राजस्थान से आ गए दिल्ली? हाँ। तो किस लिए आए हैं आज यहाँ? मुद्दा क्या है? हमारे किसानों की जो समस्याएं हैं, जो हमको किसानों का जो खर्चा होता है उसके बराबर हमको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं कि भैया उचित मूल्य भी मिल रहा है। इसलिए हम आए हैं, प्रधानमंत्री जी को बोल रहे हैं कि हमको दिलाया जावे। 2022 तक उन्होंने कहा किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, अभी तक दुगनी हुई नहीं है। इंतजार तो देखो करना पड़ेगा ना, इंतजार तो करना पड़ेगा। इंतजार कर रहे हैं बजट तक। इंतजार का फल मीठा होता है। हाँ, इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन बजट हाथ में क्या लिया हुआ है? कौन बनाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान? हाँ, ये पूरा देश जो बन रहा है, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की है बनाने में तो वो किसान है, मजदूर है। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह पटेल, मध्य प्रदेश से आए हूँ। मध्य प्रदेश से आए? अच्छा, आप लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं जी। तो यहाँ पे क्या मसला हो गया कि किसानों को फिर एकत्रित होना पड़ रहा है? नहीं, किसानों की तो बहुत सारी समस्याएं होती है, लेकिन इस बार जो हमने किसान गर्जन रैली का आयोजन किया है भारतीय किसान संघ ने, उसमें हमारी मुख्य रूप से 4 मांगे हैं। पहली मांग जो है हमारी है, किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, और वो भी निश्चित होना चाहिए कि ये मिलेगा ही। मतलब कोई व्यापारी लागत के आधार पर जो निश्चित हो उससे नीचे ना खरीदे। दूसरा हमारा है जीएसटी, जो छोटी छोटी चीजों पर भी सरकार ने लगाई हुई है, वो किसानों पे जो जीएसटी लगी है वो सारे आदान जो कृषि आदान है उन पे से जीएसटी खत्म किए जाए। किसान सम्मान निधि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है, आपने 6,000 रुपए साल भर में दे दिए, आपके आदानों के जो रेट है वो कई गुना बढ़ गए, क्या फायदा मिल रहा है? तो फायदे बताए जा रहे हैं। फायदा है, लेकिन वो बढ़ना चाहिए। किसानों का कर्ज जो है माफ हो गया है, 2,000 रुपए भी आएंगे? ना ना, किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। जो मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश सरकार ने जो 2,00,000 रुपए किसान की माफी की घोषणा की थी, किसी किसान का माफ नहीं हुआ है। और हमारी ये मांगे हैं कि जल्दी से जल्दी ये हमारी जो मांगे हैं इसको सरकार सुने और हमारे किसानों की समस्याओं का समाधान करे। किसान है जी? किसानी करते हैं? हाँ। लग तो नहीं रहा है किसानी। मैं खेती करता हूँ मैडम। हाँ, कृषि कर्मण से सम्मानित हूँ मैं। क्या नाम है बाबा आपका? काली चरण। क्या उम्र होगी आपकी? जो मेरी उम्र है जी 65 साल। 65 साल उम्र है। कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से यहाँ आ गए? हाँ। क्यों आ गए हैं भाई? यही है कि सरकार ये किसान निधि कम है, इसको बढ़ाया जाए। पेंशन गए कम है, वो भी बढ़ाई जाए। भाव रेट सही होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए तो इतना काम कर रहे हैं, जीएसटी और आपकी कर्ज माफ कर दिया है, सब कुछ। कर्ज कहाँ माफ किया है, किसका किया है? बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा? बराबर भर रहे हैं, बराबर भर रहे हैं, बराबर। कोई बिजली का बिल माफ नहीं किया हमारे यहाँ पे। किसानी करते हैं? हाँ, किसानी करते हैं। कब से कर रहे हैं? जब से जन्म लिया, पैदा हुए, तब से हो सवाल है, तब से। बच्चे हैं? बच्चे भी हैं, घरवाली भी है। पढ़ाई लिखा लिए बच्चे? हाँ। बड़े हैं, छोटे हैं? बड़े हैं, शादीशुदा हो गए, बाल बच्चे आ रहे होंगे। तो आपकी तो किसानी में उम्र बीती है, आप तो अच्छे से किसानी का सब माहौल जानते होंगे। खूब जानते हैं, खूब जानते हैं। किसानों पे क्या गुजर रही है? बहुत कैड़ी गुजर रही है, पूर्ति नहीं हो रही है, खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं है। तो इतने परेशान है आप लोग किसान, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो पीछे हट गए थे ना, आपके 3 जब बिल आए थे तो उसके लिए पीछे तो हटे है ना? तो अभी बिल तो माफ नहीं किया ना, कम नहीं किया, बराबर जा रहा है बिल। घर का भी है, जंगल का भी है, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे?
छोटे छोटे किसान हैं, सभी बड़े नहीं है। रात्रि में और भी महिलाएं भी हैं। क्या नाम है मैम आपका? संगीता ढोके। कहाँ से आए हैं? अमरावती, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं मैम, आपका क्या नाम है? क्यों आना पड़ा आप लोगों को? जो हमारी मांगे है किसानों की बहुत सालों से, अभी मोदी जी की सरकार है तो उन्होंने सुनना चाहिए। जो हम उगाते हैं उनका भाव हमें हम निश्चित कर सके। प्रधानमंत्री द्वारा तो किसानों को अच्छा भाव मिला, सम्मान निधि योजना निकाली गई है पीएम द्वारा, उसका तो लाभ मिल रहा है किसानों को? मिल रहा है। तो फिर क्यों यहाँ पर आए? क्यों इतना प्रदर्शन कर रहे हैं? माहौल बनाना चाहते हैं? जब तक कोई सारी मांग नहीं रखता तो सम्मान निधि बढ़ाई जाए मैडम, सम्मान निधि दोगुनी की जाए जी, और लागत में मजदूरी को जोड़ा जाए। धीरे धीरे पीएम साहब सभी प्रांतों में प्रमुख जिन्होंने गतिविधियां प्राप्त की है, रात्रि रुकने के लिए उसको एकत्रित करके, किसान उससे संतुष्ट नहीं है। किसान संतुष्ट लागत में मजदूरी, लागत में मजदूरी को जोड़ा जाए। सरकार मजदूरी पर ध्यान नहीं दे रही। पानी लगाने का पैसा, खाद बीज छिड़काव करने का पैसा, इन चीजों को सरकार नहीं जोड़ रही है लागत मूल्य में। केवल उर्वरक और केवल बीज खाद और दवाएं उनका पैसा सरकार जोड़ रही है, उनको उनकी मजदूरी का पैसा नहीं जोड़ रही है। किसान को जब तक उसकी मजदूरी का पैसा नहीं मिलेगा लागत में, तो उसका आमदनी डेढ़ गुनी कैसे होगी? सरकार डेढ़ गुने का दावा करती है। हाँ बोलिए, किसानों को फायदा नहीं लगता। आम आदमी भर रहा, लेकिन किसान का इतना किसानों को फायदा नहीं होता। किसानों के पास का बीज सबसे कमजोर वर्ग है देश का, नहीं नहीं सबसे अन्नदाता है, सबको खिला रहा है, उसके बावजूद सबसे कमजोर वर्ग है। और पहले से ही सारी सरकारों का ये आंकलन रहा है कि किसान सबसे कमजोर वर्ग रहा है। इसमें सीमांत और लघु किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है मैडम। किसान वर्ग जो है कमजोर पिछले आठ सालों में हुआ है, इससे पहले भी था? नहीं नहीं, पहले से ही किसान कमजोर वर्ग है, आज भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो कि देश की आर्थिक रीढ़ है। तो कमियां किसकी हैं? कमियां सारी सरकारों की रही है, पिछली सरकारों की भी रही है। इस सरकार पर हमने भरोसा किया, विश्वास किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक छोटा सा कदम इसके लिए उठाया भी, किसान सम्मान निधि के रूप में, लेकिन उससे केवल ऊंट के मुंह में जीरा, किसानों के लिए बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ। कम से कम दोगुनी की जाए, सम्मान निधि दोगुनी की जाए, मजदूरी को लागत में जोड़ा जाए, और जीएसटी हटाया जाए कृषि यंत्रों से। नहीं, कर्ज माफी जो हुई उसमें भी कई पात्र व्यक्ति छूट गए, कई राज्यों में पात्र व्यक्ति उसमें भी छूट गए। योजनाओं में खामियां कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में रही। प्रधानमंत्री जी की जो साफ सुथरी छवि है उसी को देखते हुए हम लोग प्रधानमंत्री से आह्वान करना चाहते हैं, और इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इन चीजों पर ध्यान दें, नहीं तो आने वाले दिनों में किसान और आंदोलन करने के लिए उग्र होंगे। हमें विवश न किया जाए, हमारी मजदूरी पर, हमारी सम्मान निधि पर, हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए। आपके माध्यम से ही कहना चाहते हैं। क्या कहना चाह रहे थे कि दवाई दारू वगैरह बता रहे थे? दवाई वगैरह दारू की तो छोड़िए, दवाई किसानों के लिए, खाद बीज के लिए दी जाती है, उन पर कम से कम जीएसटी खत्म की जाए। जीएसटी बेटा खर्चा तो आ रहा है ज्यादा, लागत ज्यादा आ रही है, आमदनी होनी नहीं है, किसान दबता जा रहा है। पहले इतने खाद भी नहीं लगाते, कम पैदावार होती थी, बहुत सही है। कहाँ से आए हैं? जिला अलीगढ़, गांव नेहरा। गांव नेहरा, ब्लॉक लोधा। आप लोग यूपी से आए हैं? जी, अलीगढ़ से भी आए हैं। इतनी इतनी दूर से आप लोग आए हैं? पूरे भारत का किसान है। किसान इतना मजबूर हो चुका है कि मतलब उसको इतना मजबूर कर दिया गया है कि किसानों को अभी दोबारा से फिर से आना पड़ रहा है, आना यहाँ पड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है।
तो यहाँ पे एक दिन का ही यहाँ पे धरने के लिए आए हैं या फिर इसके पहले भी आप कुछ नहीं, पहले भी आ चुके हैं धरने, पहले भी आगे भी आते रहेंगे। जिलों तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर, हर जगह हमने अपनी प्रमुख मांगों को रखा है, ग्राम समितियों में अपनी मांगों को रखा है, खंड स्तर पर मतलब ब्लॉक स्तर पर अपनी मांगों को रखा है। क्या बोल रही है, क्या आश्वासन दे रही है? अभी सरकार की तरफ से हमें तो यहाँ कोई आश्वासन वाला मिला नहीं है, नहीं मिला है। हमारे हो सकता है वरिष्ठ प्रतिनिधियों को किसी से बात हुई हो, अभी हमारे संज्ञान में तो किसी से बात हुई नहीं है। तो फिर क्या कुछ करेंगे अगर नहीं ये समझा सरकार ने, तो फिर क्या कुछ करेंगे आप? अगर हमें हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई भी सही जवाब नहीं मिलता है तो हम आने वाले समय में फिर आंदोलन के लिए विवश होंगे, और हमारे उच्च वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों द्वारा जिस तरह से हमें आदेश दिया जाएगा उसी नियत तारीख को हम फिर आंदोलन करेंगे। सड़कें जाम करेंगे हमारे किसान भाइयों से, भारतीय किसान संघ के जनप्रतिनिधि नहीं, अभी हमारे नेतागण हैं, नहीं नेतागण भी किसान संघ के जो पदाधिकारी, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, आओ ऐसे आओ हाँ। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी गुलवीर सिंह है। मैं क्या बता रहे हैं कि किसान संघ और ये नहीं, मतलब अलग अलग संगठन आए हैं? नहीं नहीं नहीं, एक ही संगठन है, पूरे भारतवर्ष का एक ही संगठन है, इसका कोई दूसरा गुट नहीं है इसमें, केवल भारतीय किसान संघ। इसकी बहुत पहले 5 महीने से पहले एक स्कीम बनी थी कि किसानों के लिए किसान गर्जना रैली बनाई जाए, किसानों की प्रमुख मांग है उनके विषय में कुछ कहा जाए, तो हमारी प्रमुख मांग थी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य, बट नॉट MSP। हमको लागत जितनी हमारे किसान भाइयों की लग रही है उस पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए हमारे किसानों को, तो पहली प्रमुख मांग थी। दूसरी मांग है जो ये किसान सम्मान निधि जो है वो बढ़ाई जाए। तीसरी मांग है जो GST किसानों के ऊपर लगा रखी है, जो GST किसानों के ऊपर लगा रखी है उसको हटाया जाए, क्योंकि वो 18% से 28% तक की GST किसानों के लिए लगी है, उसको हटाया जाए। कृषि यंत्र, रासायनिक खाद, कीटनाशक और सीड बीज, तीनों चारों पांचों पे लगी हुई है, उनको हटाया जाए। और जो पराली जो जलाते हैं लोग, उसके जो केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं उसका जुर्माना किसानों के ऊपर लगा हुआ है, उसको वापस किया जाए। क्यों किया जाए? कि जब लॉकडाउन में केवल ये कहते थे दिल्ली के वैज्ञानिक लोग कि चंडीगढ़ दिख रही है, जब किसान का काम जब भी बंद नहीं था, केवल फैक्ट्रियां बंद थी, तो जब चंडीगढ़ दिख रही थी लॉकडाउन में, अब लॉकडाउन के बाद चंडीगढ़ क्यों नहीं दिख रही? इसका मतलब है कि फैक्ट्रियों से प्रदूषण होता है, 65% फैक्ट्री से होता है, 4% किसान से होता है प्रदूषण, और किसान का प्रदूषण को सरकार मुआवजे के तौर पर तो देख नहीं रही, उनको दंडित कर रही है, जब दंडित करने चाहिए फैक्ट्रियां। किसान एक असहाय है, क्या उसको अन्नदाता है और उसको आप असहाय समझ के उस पर दंड रख रही हो? और ये एक मांग है हमारी, इसको हटाया जाए। और दूसरा है क्या, भारत में जो पेरू की एक संस्था है अमेरिका की, आलू अनुसंधान केंद्र की, वो हमारे यहाँ लागू की जाए, और उसका ब्रज प्रांत में आलू का क्षेत्र है उसको आगरा में स्थित किया जाए, ताकि अच्छी क्वालिटी के जो बीज आएंगे वो हमारे किसानों को मिलेंगे। हमारे किसानों को जब तो अच्छी क्वालिटी के बीज तो दिए जा रहे हैं, नहीं नहीं दिए जा, उस क्वालिटी के नहीं जा रहे जो एक्सपोर्ट का क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं है हमारे किसानों के पास आलू का, इसलिए हमारे आलू इस साल भी आलू फेंका है किसानों का, इस साल भी किसानों का आलू बिका है। यदि उच्च क्वालिटी का होता तो एक्सपोर्ट होता, वो बाहर जाता, तो हमारी जो पेरू की कंपनी है अमेरिका की, हम उसको ये चाह रहे हैं कि वो हमारे यहाँ आलू के बीज के लिए अनुसंधान केंद्र यहाँ खोले और उसके अच्छे उन्नत बीज हमको मिलेंगे, तो हमारे किसानों का भला होगा। ये आप सोच रहे हैं, सोचिए प्रधानमंत्री जी नहीं सोच रहे हैं इसके बारे में कि इतने उन्नत बीज मिलने चाहिए? भाई प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को कहाँ कहाँ सोचेंगे, हम उनको अवगत करा रहे हैं ना भाई, किसान की समस्या को तो किसान बता सकता है ना, प्रधानमंत्री जी काम में विलीन है भाई, जगह जगह, हाँ, इसीलिए वो अभी उन तक बात नहीं पहुंच पा रही है। उनके विरोध में आप लोग? नहीं नहीं, विरोध में नहीं है, विरोध में नहीं है। बेटा माँ से या बाप से पैसा मांगेगा तो क्या विरोध होगा क्या? वो विरोध नहीं है हमारा, भारतीय किसान संघ केंद्र शासन से अपनी मांगों को रख रहा है कि जी मांग हमें दो, ये विरोध नहीं है जी, अजय तो विरोध ये होगा कि अब मेरा बेटा मुझसे पैसा मांगेगा तो आप कह दोगे तो विरोध कर रहा है, ये विरोध नहीं है, विरोध क्या आंदोलन, नहीं ये विरोध नहीं है, ये विरोध नहीं है, हम अपनी मांगे रख रहे हैं सरकार के समक्ष, हम अपनी मांगे रख रहे हैं और सरकार उनको मानेगी, मांगे रखेंगे तो सरकार मान जाएगी क्या? मानेगी, ये जायज मांगे तो मानेगी, नहीं मांगेगी फिर आंदोलन करेंगे, लेकिन खिलाफ में और पक्ष में कोई मतलब नहीं होता, भारतीय किसान संघ अपनी पक्ष रखता है
अपनी बातों के लिए मनवाने के लिए विरोध नहीं करता किसी का। हमारा किसान संघ जो है क्यों परेशान हो रहे हैं, सोचेंगे नहीं, नहीं नहीं सोचेंगे तो जब जब उनके तक बात जाएंगी। जा रही है ना बात? नहीं जा रही ना, तो सम्मान निधि निकाला है उन्होंने। अब जा रही सम्मान निधि लगाई है तो सबके महंगाई भत्ता बढ़ गए, सबके महंगाई भत्ता बढ़ गए, और हमारे किसानों के महंगाई भत्ता क्यों नहीं बढ़े? हमारी सम्मान निधि 6 की 6 हजार रखी है। आप मैं राम भरोस बसोतिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे राजनीति चमकाने तमाम लोग आए हैं। एक भी बंदे से पूछ लो, किसी ने 1 रुपया भी किराया दिया हो तो मैं मान लूंगा कि राजनीति चमकूंगा। सब अपने जेब से आए, अपना भोजन लेके आए। केवल हमने भारत माता की तस्वीर देख रही हूँ, यहाँ पे किसान आंदोलन हो रहा है, भारत माता की फोटो लगाई हुई है। भारत माता को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? माता हम पैदा होते हैं जिस देश में, को पता है कि भारत माता की वजह से बहुत से लोगों को पता नहीं, वो लैंड बोलते हैं, हम माता ही बोलते हैं, गौ को माता बोलते हैं। माता तमाम लोग कहीं पैसे वाली भीड़ तो नहीं आई हुई है? आप पूछ लो ना, मैं कोई से भी एक भी बच्चे से पूछ लो जो किसान है। बसों को जो भर भर के लाया गया, अरे किसानों ने अपने जेब से पैसा लगाया, किसी से पूछ लेना, बस वाले से पूछ लो। किसान है भी यहाँ पे, अधिकतर लोग पैसे दिख रहे हैं, किसान नहीं दिख रहे। किसान को क्या, बिल्कुल वो दीनहीन हालत में देखना चाहती क्या? मैं नहीं देखना चाहती, दुनिया का नजरिया ही गलत है। वो फोटो वाला चाहता है ऐसा, किसान भी सुख से रहना चाहता है, अच्छे हिसाब से रहना चाहता है, कमाता है अपना खाता भी। आप किसानी करते हैं? मैं शुद्ध किसानी करता हूँ, 20 एकड़ जमीन। किसानी करते हैं तो क्या परेशानी आ गई? प्रधानमंत्री जी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, खुश होना चाहिए। प्रधानमंत्री सबको बढ़ा रहे हैं, जब देखो जब कर्मचारियों को बढ़ा देता, किसान का क्यों नहीं? कर्मचारी को कहाँ बढ़ाया जा रहा है? अरे साहब, जिनको जिसको 50,000 रुपए लेता है उसके बाद भी समय पर काम करके देता है क्या? बोल हमारे आदमी को कितना मिलता है? 2,000 रुपए बोनस दे दिया, कुल मिला के 6,000 देती है। भाई किसान तो मौज में है, बोनस उसके कहने से क्या होता, कोई भी कह रहा है उसके कहने से क्या होता। किसान की हालत आर्थिक पक्ष अगर देखना है तो उनकी एक एक डायरी बुलवा लेना, कर्ज कितना है। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रसाद सूर्या है, भारतीय किसान संघ में मालवा प्रांत का अध्यक्ष हूँ। मैं मध्य प्रदेश मालवा प्रांत देवास जिले से आया हूँ। आना जब है तो एक माँ अपने एक बेटे को अछूता रखती है तो दूसरा बेटा तो रिसाएगा, जो अछूता होगा वो। तो कौन से बेटे को माँ ने छोड़ दिया है और कौन से बेटे को माँ ज्यादा देख रही है? ये कर्मचारी और किसान दो हैं। कर्मचारी के TADA हर बार 7% बढ़ते हैं हर 6 महीने में, और किसान के भाव डाउन होते हैं। इसके ऊपर आज तक 75 साल में किसी सरकारों ने विचार नहीं किया है, और जो लागत जोड़ी जाती है PM मोदी जी ने तो किया है, उतना नहीं किया जो चाहिए। बोलते हैं उनका ऐड नहीं देखते हैं, तमाम टीवी चैनलों पे ऐड आता है। हम भी कहते हैं लेकिन ये भाव जो गेहूं के 2,115 रुपये दिया है, ये भाव किसानों को 4,000 रुपये 4,100 रुपये मिलना चाहिए, तब जाके सारी महंगाइयों को कवर कर पाएगा वो। उसके भी तरीके से डिमांड रख रहे हैं तो वही मान नहीं है सरकार, और काम नहीं देखे है? और काम नहीं, और देखे। काम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और काम के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमारे परिवार पर और हमारे पेट पर ही लात लगेगी तो हम क्या करेंगे? हमारा इतना किसान देखिए आप, किसानों की सूरत और उनकी हालत देखिए, और है तो एक कर्मचारी की हालत देखिए, उसके पारिवारिक रचना देखिए, हमारे परिवारों की रचना देखिए। हम ढंग से शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं हमारे बच्चों को, हमारा जो अमृत है दूध वो भी हमारे घर से बिक गया है, उसको भी हम पैदा नहीं करने की इच्छा होती है किसानों की, पैदा नहीं करना, लागत ही नहीं निकलती है। क्या करेंगे अगर सरकार नहीं सुनी, नहीं मानी आपके यहाँ के मुद्दे? नहीं मानी तो हम गाँव में जन जागरण अभियान चलाएंगे और बड़े बड़े आंदोलन करेंगे जिलों पे। आपका दायित्व पहुँचाइए सरकार तक हम लोग की बात, जितना आंदोलन। क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम बलराम है। आगे आ जाइए, बताइए। किसानी करते हैं आप भी? अरे हम किसानी, हम तो पढ़ते हैं, पिताजी किसान है, पिताजी किसान है, पढ़ते हैं बिल्कुल। तो पता है किसानी क्या है, ये सब चल रहा है, क्या मुद्दा चल रहा है? हमें सब पता है क्या मुद्दा चल रहा है, बताइए क्या क्या जानना है? ये भी पता होगा कि PM साहब बहुत काम कर रहे हैं। PM बहुत काम कर रहे हैं, आपको किसने बोल दिया काम कर रहे हैं?
है, टीवी मीडिया देखते नहीं है क्या? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, आप मुझे आप नहीं चलाती मुझे लग रहा है। किसानों के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बताइए आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, मुलाजिमों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। पांच काम गिनवा दीजिए मेरे को जो मोदी जी किसानों के लिए कर रहे हैं, बता दीजिए पांच काम गिनवा दीजिए। देखिए आप ही लोग गिनवाते हैं। नहीं आप गिनवा दीजिए ना, आप तो मीडिया वाले हैं, पांच काम गिनवा दीजिए। देखिए टाइट कर दिया, लाल लाल आंखें दिखा दी, चीता ला दिया, क्या ला दिया, चाइना टाइट कर दिया, चीता ला दिया, हिंदू राष्ट्रीय बन रहा है, भगवा रंग पे जो है ड्रेस नहीं पहन सकते हैं। अच्छा है ना, रंग की रंग देख नहीं रहे, रंग कितना, और आज आप भगवा ही भगवा रहे हैं। आप पहले बताइए कि आप किस साइड है, आप बताइए मेरे को। मैं तो पूछ रही हूँ, आप बताइए। नहीं आपका रुख तो किसी और साइड लग रहा है ना, मेरा साइड पूछ रहे हैं, मेरा साइड मत पूछिए। सबसे पहले सवाल नहीं करें, पत्रकार का रुख एक साइड नहीं होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। हाँ बताइए बताइए, आप पूछिए। भैया उनके काम गिनाए जाते, मैं वही बता रही हूँ। आप बताइए ना, भगवा कोई ड्रेस नहीं पहन सकता। क्यों नहीं पहन सकता भैया, इतना कंट्रोवर्सी हो रही है, आपने देखा नहीं? आप देशों क्यों बांट रहे हैं बताइए पहले। हाँ। आप हिंदू राष्ट्र क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। हाँ। इससे पहले राष्ट्र नहीं थे क्या? हाँ। इससे पहले कभी किसान ने इतने वो नहीं थे? हाँ। इतने संघर्ष नहीं कर रहे थे, अभी आप क्यों संघर्ष करवा रहे हैं? खतरे में है भाई। कौन बोला आप खतरे में है? जिसकी संस्कृति में सब कुछ समाहित हो जाता है, बुरा खतरे में है। आप बताइए, जैन धर्म कभी मानता था कि कभी स्टेच्यू आएगा, लेकिन आ गया क्यों? क्योंकि वो अगर आपको संस्कृति में आना है, किस हिंदू संस्कृति, आपको ढलना ही पड़ेगा, ये राष्ट्रीय ऐसा है। आप बताइए कहाँ खतरे में, बताइए। पीएम हिंदू है, सीएम ही, क्योंकि हिंदू है, तो बताइए आप कहाँ खतरे में, बताइए हिंदू, बताइए कहाँ खतरे में, बताइए। किसान आप किसान की चर्चा कीजिए, आप यहाँ किसान की चर्चा कीजिए, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। किसान के लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, किसान किसान होता है, खून सबका लगता है वहाँ पे, समझ गए ना, जब जमीन छिटती है इधर भाषण से कुछ नहीं होता। आप किसान की बात कीजिए ना, टीवी मीडिया इतना बता रहा है ना कि टीवी मीडिया बता क्या रहा, आप दिखाए कर सुना, अभी आप दिखाए हैं, अभी आप दिखाए हैं टीवी पे, अब हाँ क्या कर रही हैं, दिखाए हैं आप, आप ये दिखाते हैं गुजरात में रैली कर रहे हैं मोदी जी, आप ये तो दिखाते हैं, आप ये नहीं दिखाई दो, आपकी भी आवाज सुनने के लिए आए तभी तो दिखा रहे हैं। हमारी बावरानी हमारी तो मान सुन, देखिए आप ये बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग कितने लोग, अब अच्छे आप ईमानदार बताइए, कितना चैनल दिखा रहे हैं कि अभी हिंदू गर्जना चल रही है, कितने लोग दिखा रहे हैं कि हमारे पिता लोग यहाँ डले हुए हैं एक साल से, आप लोग कितने लोग दिखा रहे हैं बताइए, कितनी बार दिखाया गया है? आप लोग तो ये दिखाते हैं मोदी जी भाषण करने गए तमिलनाडु, ये दिखाते हैं आप लोग, असली मुद्दा आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, आप ये बताइए ना, बताइए और बताइए। अब मीडिया वाले मान लीजिए आप उनके साथी हैं, मीडिया तो आप साथी है ना, साथी है, अरे आपको साथ, अब बताइए भाई, भाई तो भाई मानना पड़ेगा ना। अच्छा। अब आप भी चैनल लिया मीडिया, अभी तो आप तो मीडिया वाले हो ना, उंगली एक बराबर समझ लिया आपने, फिर आप वही बता लिए, पांच उंगली से टेढ़ी हो गई ना, काट दिया जाएगा तुरंत, जैसे रवीश कुमार को काट दिया गया है। अच्छा, पांच उंगली बराबर समझ रहे हैं, वही तो मैं मीडिया की बात कर रही हूँ, पांचों को बराबर मत समझिए ना। ऐसा नहीं है, पांच बराबर, आप देखिए आपको रहना है तो उसके साथ ही रहना पड़ेगा, नहीं तो निकल दीजिएगा। रहना है तो ये भी कहा जाता भैया, रहना है हिंदू राष्ट्र में तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र मुद्दा क्यों ला रही हो, इंदिरा मुद्दा नहीं ला रही हो, अभी आपने बात करी ना कि पांच काम गिना दिए ना मैंने। अच्छा एक काम है, देखिए देखिए देखिए, ये कोई काम है हिंदू राष्ट्र, कोई काम है बताइए, किसी देश को हिंदू राष्ट्र में आप समय क्यों कहे बोला जा रहा है कि फिर से कोई लेना देना नहीं है, तो किसानों की मांग है, आप किसानों को संविधान संविधान पढ़िए, आपने संविधान पढ़िएगा क्या, संविधान पढ़िए आप, क्या लिखा है, समानता अधिकार है। हाँ तो भाई सबका साथ सबका विकास, आप हिंदू तो हिंदू राष्ट्र के तुले हुए हैं आप, बताइए हाँ क्यों हिंदू राष्ट्र में तुले हुए हैं आप, संविधान को ठुकरा क्यों रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, सबका अधिकार है, समान रहने दीजिए आप। हाँ तो आप क्यों हिंदू राष्ट्र में पड़े हैं, समान होना चाहिए, हमको सिर्फ हम किसान है, हमको किसान है, हमको इतना चाहिए कि हमारे दो हमारे अन्न पले और हम मांगे बढ़े, बस हमको ये चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए कि तो आप क्या करें क्या नहीं करें, ना हमको 5G से मतलब है, किसी से मतलब है ना, हमारे भाई लोग जानते हैं 5G क्या है, हमको सिर्फ अपना मुद्दा चाहिए भाई, हमारा जो अनाज है उसके रेट अच्छे हैं जी, बस हो गया है। आप लगा 2010 में देख लीजिए 5000 था, अभी भी देंगे नहीं 5000 रुपया है, 1 रुपया बढ़ाया आज तक, बताइए आप बताइए, और किसी भी देख लीजिए आप, चाहे संसद की भी देख लीजिए आप, शिक्षा की भी देख लीजिए, लगातार बढ़ रही है, लगातार हंगामे, इसकी गर्जना इतनी जा रही किसी पे, इतने सारे 545 सांसद एक सांसद यहाँ पर नहीं आ पाया आज तक देखने के लिए कि किसान कैसे चल रहे हैं। टीवी तो चर्चा कर देते हैं ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे टीवी चर्चा आप कुछ भी कर दीजिए, मतलब हो गया वैसे हो गया, आपने चाय भेजी, आप चाय का दर्द तो समझते हैं लेकिन किसान का दर्द नहीं समझते आप, इनका दर्द नहीं समझते, वो बैठे हैं आके, तो इनका दर्द भी समझिए ना आप, जाइए दिखाइए। चलिए तो यहाँ तमाम लोग जो है एकत्रित हुए हैं, जगह जगह से आए हैं, कोई यूपी से आया, कोई महाराष्ट्र से आया है, तमाम लोग मध्य प्रदेश से भी आए हैं, और यहाँ पर जो किसान भाई लोग हैं उनका दर्द यही है कि भैया जो कर्ज है उनका माफ नहीं किया गया है, उनकी आय जो है दोगुनी की जाए, तमाम लोग इसी
इसी मुद्दों को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर जो है किसान भाई लोग आए हैं, महिलाएं भी आई हैं, तमाम लोग यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर आए हैं। तो ये है इनकी विडम्बना। और इसके साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, रामलीला मैदान, दिल्ली।